नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये है उत्तराखंड करंट अफेयर का टेस्ट। टोटल 20 क्वेश्चन है दोस्तों यहां पे, और कोशिश आपको करनी है कि 15 प्लस आपके सही हो जाए। तो आपकी तैयारी कैसी है करंट अफेयर में उत्तराखंड में, यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हमने रखे हैं, इजी मॉडरेट हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो उत्तराखंड करंट अफेयर का टेस्ट है, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और टोटल 20 के 20 क्वेश्चन आपको देने हैं, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके यहाँ पे टोटल सही आंसर कितने हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नैनीताल हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश है वह कौन बने हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, RS चौहान, विपिन सांगी, संजय कुमार मिश्रा या फिर रमेश रंगनाथन। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो सोचिए दोस्तों क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विपिन सांगी जी। विपिन सांगी जी वर्तमान में नैनीताल के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, हाल ही में बने हैं। और इनकी बात करें दोस्तों तो ये उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और यहीं पर बात करें तो इससे पहले वे दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। तो क्वेश्चन नंबर एक ही हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर दो, इसका आंसर दीजिए जरा कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा जो हर्बल गार्डन है इसका उद्घाटन कहां किया गया है। तो बताइए जरा कहां पे किया गया है, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर टिहरी। तो क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, भारत का सर्वाधिक ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किस जनपद में किया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, सोचिए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चमोली। चमोली इसका बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो अगस्त 2021 में हुआ था, और स्पेशल जगह आपको पूछी जाए तो यह आपको माढ़ा में मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब है क्वेश्चन नंबर तीन, और इसका आंसर दीजिए जरा, उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कब खोला गया। अब यह क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे आप इंपॉर्टेंट कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड का पहला जो बाल मित्र थाना है कब खोला गया था। तो बताइए जरा जनवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021 या फिर जुलाई 2021। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर, सोचिए जरा। तो सोचिए दोस्तों क्या इसका सही आंसर होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको जनवरी 2021। यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह है उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना, डालावन देहरादून में खोला गया था, और इसके बात करें तो 22 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर चार, और इसका आंसर दीजिए, प्रथम महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग जो अभियान है इसके लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। तो बताइए दोस्तों उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रथम महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, श्रुति रावत, पूजा भंडारी, बचेंद्री पाल या फिर कल्पना देसाई। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर चार का। तो सोचिए दोस्तों, आप सभी ने सोच लिया होगा, तो ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रुति रावत, इसका बिल्कुल सही है। और आप यहाँ पे देखना दोस्तों कि 2 फरवरी 2021 को बाघा बॉर्डर से इसका शुरुआत की गई थी, और हिमालय साइकिलिंग अभियान था ये, और उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व किया था वो श्रुति रावत ने किया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर पाँच पे, और इसका आंसर दीजिए जरा कि 2021 गणतंत्र झांकी को उत्तराखंड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो बताइए जरा, अच्छा क्वेश्चन है, और सोचिए जरा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि 2022 की झांकी कौन सी थी। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर पाँच का सही आंसर क्या होगा, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है, तो वह मिलेगा आपको, तीसरा मिलेगा, बिल्कुल सही है। और यहीं पर अगर आपको झांकी पूछी जाएगी क्या झांकी थी, तब आप देखोगे कि जो 72वां गणतंत्र दिवस था 2021 में, वहाँ पर जो केदारखंड था वह उत्तराखंड की झांकी थी। तो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्थान, बिल्कुल सही है। अच्छा, पहला स्थान किसका था, दूसरा स्थान किसका था, यह भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां पे छह, क्वेश्चन नंबर छह पूछा है कि गरतांग गली हाल ही में बहुत चर्चा में थी, यह किस जनपद में है। तो बताइए जरा यह किस जनपद में है, चमोली में है क्या, पिथौरागढ़ में है
या फिर टिहरी में है, कहां पर मिलेगी आपको गर्तांगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस भी करवाया है। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, तो सोचिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी यह भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो आपको मिलेगा यह उत्तरकाशी में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? उत्तरकाशी जनपद में आपको यह मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर डी है, उत्तरकाशी। यह बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर दीजिए जरा। मनीष कश्नियाल जी द्वारा हाल ही में एवरेस्ट फतेह कर कीर्तिमान स्थापित किया गया। अब आपको यह बताना है कि इनका संबंध किस जनपद से है। तो बताइए दोस्तों, इनका संबंध किस जनपद से है, बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है, टिहरी गढ़वाल, यह बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, पिथौरागढ़, यह बिल्कुल सही है। 7 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, बिल्कुल सही है ना। मनीष कृष्णा जी ने हाल ही में कीर्तिमान किया था, यानी एवरेस्ट फतेह किया था। इसके अलावा जो शीतल राज है, उन्होंने भी एवरेस्ट फतेह किया था, काफी चर्चा में रहते हैं, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन पूछा है कि वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस टीम के खिलाफ एक ही मैच में 3 गोल दागे थे, जिसके कारण काफी प्रसिद्ध रही। अभी हाल ही में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था ना। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बताइए जरा क्या होगा, बेलारूस सही था, ऑस्ट्रेलिया सही था, साउथ अफ्रीका सही था, या फिर इंडोनेशिया। तो किसके खिलाफ जो वंदना कटारिया जी है, उन्होंने एक ऐतिहासिक गोल किए थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 3 गोल लगातार दागे थे। तो क्या था इसका सही आंसर, बताइए जरा, किसके खिलाफ था? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, या फिर इंडोनेशिया? तो आपने सोच लिया होगा दोस्तों, इसका आपको राइट आंसर मिलेगा साउथ अफ्रीका। यह बिल्कुल सही है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और 2021 की बात करें तो 2021 में तीली रौतेली पुरस्कार के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर दीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सुंदरलाल बहुगुणा जी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ था मई 2020, मई 2021, जून 2021, या फिर अप्रैल 2021। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो सोचिए इसका सही आंसर, तो बताइए जरा क्या इसका सही आंसर होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मई 2021, यह बिल्कुल सही है। और आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से आपके एग्जाम में अब क्या क्या प्रश्न बनेंगे। देखिए, जन्म की बात करें तो जन्म जो हुआ था वो 9 जनवरी 1927 को मरौड़ागांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 21 मई को हुआ था। तो एग्जिट तिथि आपको ध्यान रखना है 21 मई 2021 को, है ना। पिताजी की बात करें अंबादत्त बहुगुणा, माताजी पूना देवी, पत्नी का नाम विमला लोटियाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कि पद्मश्री 1981, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1984, वृक्ष मानव पुरस्कार 1985, यहां पर और भी दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कार आप देख लीजिए, जैसे पद्म विभूषण जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2009, विश्व गौरव सम्मान 2020। तो इन प्रश्नों को देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए। कारगिल अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, काफी चर्चा में रही थी यह पुस्तक, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इसका सही आंसर क्या होगा? हेमंत रॉय, रचना बिष्ट, मेजर अभेंद्र रावत, या फिर रविशंकर निशंक? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो जी हाँ, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी रचना बिष्ट, बिल्कुल सही है। तो जो कारगिल अनटोल्ड स्टोरी है फ्रॉम द वॉर, ये रचना बिष्ट जी ने लिखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आरआरबी में कई बार पूछी जा चुकी है, एसएससी ने भी कई बार पूछ लिया है, अब यूकेएसएससी की बारी है आपको पूछने की। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, देश के सबसे ट्यूलिप, जो बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इसका उद्घाटन किया गया, तो बताइए जरा कहाँ पे किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी इसका सही आंसर देंगे। तो क्वेश्चन कैसे है दोस्तों, इजी है कि मॉडरेट है? टफ तो नहीं है ना। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा पिथौरागढ़। यह बिल्कुल सही है और 50 हेक्टेयर में पूरा ये बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत का सबसे बड़ा क्या होगा, यानी ट्यूलिप गार्डन होगा। और हाल ही में चर्चा में यह इसलिए भी रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि यह अभी पूर्ण विकसित नहीं किया गया है और जो टारगेट रखा था इसे बनाने का वह पूरा नहीं कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्यूलिप गार्डन, बिल्कुल सही है, मोस्ट अमाउंट में आपको मिलेगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो बताएं जरा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो खेल मंत्री कौन है? देखिए दोस्तों, खेल मंत्री कौन है, एक तो यह समझिए कि इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि कोई महिला है, इसका मतलब रेखा आर्या है, तो रेखा आर्या है वर्तमान में महिला खेल मंत्री है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और यहीं पर बात करें तो रेखा आर्य जी की तो सोमेश्वर विधानसभा सीट से थे, है ना, खेल मंत्री है, युवा कल्याण मंत्री है, बाल विकास महिला मंत्री भी है, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, उपभोक्ता मामला मंत्री भी कौन है, रेखा आर्य जी है। तो सोमेश्वर विधानसभा सीट है इनकी, यह विशेष ध्यान रखना। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूकेएससी से आपको यह प्रश्न पूछ भी चुका है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 12 जनवरी 2020, 6 अगस्त 2021, 21 अप्रैल 2020 या फिर 9 मार्च 2018। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो सोचिए जरा क्या इसका सही आंसर होने वाला है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए सोचिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सोच लिया होगा और इसका सही आंसर आपको मिलेगा 9 मार्च 2018। और यहीं पर दोस्तों सौभाग्य योजना की बात करें तो आप सभी समझते हैं ये किसके लिए होगा, ये हर घर बिजली से संबंधित है। और यहीं पर बात करें कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी, यानी लॉन्च किया गया था, और हर घर में बिजली पहुंचाने यह क्या है, लक्ष्य है। उत्तराखंड में 9 मार्च 2018 से शुरुआत हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दीजिए, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो सोचिए जरा इसका क्या होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर पांचवा? तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो सोचिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम, बिल्कुल सही है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का जो स्थान है वो पहला है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो स्थान है वह उत्तराखंड का है ना, दूसरे स्थान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का है, और तीसरे स्थान की बात करें तो नागालैंड का है, और यही अंतिम हिमालय राज्य की बात करें तो यह आपको मिलेगा मेघालय। और देहरादून की अगर राष्ट्रीय स्तर पर आपको रैंक पूछी जाए तो कितनी है, 134, कितनी है, 134 है, यह भी आप ध्यान रखना। तो यहां पे तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, और यहीं पर अगर आपको पूरे भारत के संदर्भ में पूछा जाए, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट आई थी, सबसे स्वच्छ शहर था इंदौर, फिर सूरत, और तीसरा था यहां पे विजयवाड़ा, अगर आपको पूछा जाए नॉर्मली, ठीक है। यहीं पर आपको अगर पूछा जाए कि राज्य में 100 से अधिक शहरों वाला जो स्थानीय निकाय, जहां 100 से अधिक शहर हैं, तब वहां पे आपका आंसर आएगा छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश। अगर गंगा शहर की बात करें जो गंगा के किनारे बसे हैं, तो सबसे स्वच्छ है वाराणसी, दूसरा है मुंगेर बिहार, और तीसरा आपको मिलेगा पटना, ठीक है। अब है यहां पे 1 लाख से कम आबादी वाले शहर, तो 1 लाख से जहां कम आबादी है वहां जो सबसे स्वच्छ शहर है वह है बीटा महाराष्ट्र में, दूसरा लोने वाला महाराष्ट्र है, ठीक है। और यहीं पर सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें जहां 100 से कम स्थानीय सरकार है, स्थानीय निकाय है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे झारखंड पहला है, हरियाणा दूसरा स्थान है। तो यहां पर यह है, इन्हें भी आप जरूर याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसका आंसर दीजिए जरा कि भारत में पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत की गई है। तो बताए दोस्तों, देखिए भारत का पहला है और घास संरक्षण की बात की गई है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए जरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हाँ दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो आपको जो आंसर मिलेगा यह मिलेगा आपको, यह आपको मिलेगा दोस्तों, जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको रानीखेत मिलेगा, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कि नवंबर 2021 को भारत के घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया अल्मोड़ा के रानीखेत में, और यह 2 एकड़ में फैला है, विस्तार किया गया है, और इंपॉर्टेंट बातें यही थी, ठीक है। नवंबर 2021 यानी 14 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था, रानीखेत अल्मोड़ा में किया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसका आंसर दीजिए कि जून 2021 में सीता राज ने एवरेस्ट फतेह किया है, उनका संबंध किस जनपद से है? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा।
तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आप सभी इसका सही आंसर देंगे और वो आपको मिलेगा पिथौरागढ़। कहाँ पे मिलेगा? पिथौरागढ़। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी उत्तरकाशी में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की बात करें तो 4 नवंबर 1954 को दार्जिलिंग में इसकी स्थापना हुई थी। बचेंद्री पाल की बात करें तो 23 मई 1984 को उत्तरकाशी में इन्होंने फतेह किया था एवरेस्ट को। सुमन मार्तेलिया उत्तरकाशी से संबंधित है, 1993 में फतेह किया था। सुमन नोटियाल पिथौरागढ़ से संबंधित है। देखिए, सबिता मार्तेलिया उत्तरकाशी से हैं, सुमन नोटियाल पिथौरागढ़ से हैं। 1993 में ही इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। लवराज धर्मसक्तू पिथौरागढ़ से हैं। हरिश्चंद्र रावत 1965 राज्य के प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। और सीतल राज की बात करें तो 2020 में इन्हें हाल ही में यानी 2020 का जो तेंजिंग नार्वे एडवेंचर अवार्ड है 2020 का, सीतल राज और अमित बिष्ट दोनों को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 से यह चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका आंसर दीजिए, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो बताइए जरा, कृषि मंत्री कौन है उत्तराखंड के वर्तमान? तो बताइए दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं, आपको हर प्रश्न के लिए तैयार रहना है। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा गणेश जोशी जी। बिल्कुल सही है। और गणेश जोशी जी के आपको अगर विधानसभा सीट पूछी जाए तो आपको मसूरी मिलेगी। इसके अलावा सैनिक कल्याण मंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री भी यही हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कि रोजगार देने हेतु राज्य सरकार द्वारा मई 2020 में होप पोर्टल का लॉन्च किया गया था। तो आपको यह बताना है कि होप में जो ई है इसका मतलब क्या है? तो बताइए जरा, होप में जो ई है यानी होप में जो ई है इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवेयर या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, जरा सोचिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए जरा, तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें आपको मिलेगा एवरीवेयर। बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखिए कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए जो मुख्यमंत्री उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने ये लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जो 13 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अक्टूबर 2021 में भारत और यूके के बीच में अजय वारियर युद्ध अभ्यास। तो पहला पूछा जाएगा कि अजय वारियर युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। कहां पे यह आयोजन किया गया था? पिथौरागढ़, चौबटिया, नैनीताल या फिर जोधपुर? तो कहां पे किया गया था अक्टूबर 2021 में, इसका आंसर बताइए जरा। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा नैनीताल। नहीं, ये तो गलत है, चौबटिया आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, चौबटिया इसका बिल्कुल सही है। 7 से 20 अक्टूबर 2021 के बीच में भारत और यूके के बीच में यह आयोजन कराया गया था, है ना, और चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन करवाया गया था। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए, जो चौबटिया उद्यान है ना, कल परसों हमने डिस्कस की थी क्लास में, इसका उद्घाटन यानी जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20 और इसका आंसर दीजिए, और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको बताना है कि आपके कितने नंबर बने हैं। कि कोविड-19 में टीकाकरण 100% करने वाला प्रथम जिला कौन बना है? देखिए, राज्य की बात की गई है, यानी यहाँ पे हम अपने राज्य उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के हिसाब से। तो क्या होगा इसका सही आंसर? चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर या फिर पिथौरागढ़? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा बागेश्वर। यह बिल्कुल सही है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर अगर ऐसा पूछा जाए कि 100% जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो वह हिमाचल प्रदेश बना है। यानी वयस्क जो वैक्सीन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर बात करें भुवनेश्वर, तो पहला शहर बना था जिसने 100% वैक्सीन लगा दी थी कोविड-19 की। तो यहाँ पर दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है, और टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं, और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं दोस्तों, यह आपको बताना है। तो आपके 15+ से 16+ से 20 के 20 सही हैं, या 10+ या इससे थोड़ा कम ज़्यादा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आपके आंसर बताने हैं। तो करंट अफेयर में आपकी तैयारी कैसी है, इसके माध्यम से आपने समझ ली होगी दोस्तों, और कितना करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तो धन्यवाद।